देखिए, हमारे देश में किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा हमेशा रहा है। केंद्र में किसी भी की सरकार रही हो, किसानों के साथ एक तरह से भेदभाव करती रही है, यानी कि उनकी जो भी किसानी है उससे खेलती रही है। आप देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा सा मतलब आप लोग इससे निकालिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ गेहूं का उत्पादन हो रहा है, आप लोग गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो आपसे पहले ही बुआई के पहले ही कह दिया जाएगा कि आपकी गेहूं की फसल का इतना रेट दिया जाएगा, इतने रुपए किलो खरीदी जाएगी। अब आप देखिए कि बाजार में अगर अधिक मूल्य आता है तब भी आपकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो अगर जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है उससे अधिक रेट अगर आपको बाजार में मिल रहा है, आपके जो व्यापारी हैं बिचौलिए हैं वो दे रहे हैं, तो आप वहां दे सकते हैं। और अगर आपके व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद रहे हैं, कम कीमत पर खरीद रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि सरकार को बेच सकते हैं। जो सरकारी मंडियां होती हैं वहां आप लोग अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस पर कानूनी कोई कानून नहीं है। कि मुझे लगता है कि देखिए, किसान अभी आंदोलन चल रहा था और अभी ये चर्चा में क्यों है इस पर भी बता देता हूँ। अभी हाल ही में भाजपा सांसद है वरुण गांधी, और आप सभी जानते हो भी होंगे उन्हें, और आजकल आप देख रहे हैं कि भाजपा के लिए इन्हीं के सांसद साहब भी चुनौती बने हुए हैं, एक कई तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी का हो या फिर किसानी का हो। तो इन्होंने संसद के फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए एक निजी विधेयक पेश किया है। देखिए, जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव रहता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा में पारित होगा और राष्ट्रपति साहब की उस पर सहमति मिलेगी, वो आपका कानून बन जाएगा। अगर एमएसपी पर कानून बन गया तो आप देखिए कि अगर आपका बिचौलिया सरकार के द्वारा तय किए गए रेट से कम पर खरीदता है तो उसे कुछ सजा भी होगी, कुछ जुर्माना भी लगेगा। तो इससे क्या रहेगा कि किसानों की सुरक्षा भी होगी और किसानों की हालत भी सुधरेगी। अभी आप सभी जानते हैं कि आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ किसानों से सुसाइड किया हुआ है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, तो उनकी काफी स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। और देखिए, एक और बात बता दूं, यहाँ निजी विधेयक कहने का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, जो मंत्रिमंडल होता है उसके अलावा कोई अगर सदस्य कोई विधेयक एक तरह से प्रस्ताव लाता है लोकसभा राज्यसभा में तो उसे निजी विधेयक कह देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, निजी विधेयक पास होने की संभावना कम ही रहती है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई विधेयक आना है तो वो आराम से पास हो जाता है और सरकार ही लाती है। और निजी विधेयक को अगर कोई लाता है, निजी प्रस्ताव कोई लाता है, तो उसके पास इतना बहुमत नहीं होता है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो निजी विधेयक लाने के बाद भी पारित हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। तो कृषि उपज की गारंटी की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का किसानों का अधिकार विधेयक 2021 का आया हुआ है, 2021 लाया गया है। किनके द्वारा? भाजपा सांसद हैं वरुण गांधी के द्वारा। ठीक है, द फार्मर्स राइट टू गारंटी गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021 में 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव ये रखा गया है कि किसानों को एक कानून मिलना चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए, कि अगर इस पर कोई इससे कम पर कोई खरीदता है तो उसे एक तरह से इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। विधेयक का उद्देश्य है कि 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी प्रदान किया जाए और जिसे उत्पादन की सकल लागत पर 50% के लाभांश पर निर्धारित किया जाए। यानी कि मतलब है कि आपका देखिए 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो कम से कम आगे आपको 50% उस पर आपको लाभ भी तो मिलना चाहिए, वरना आप सोचिए कि घाटे की खेती रहेगी, क्या मतलब रहेगा। यदि किसी किसान जो उपयुक्त घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत मिलती है तो वह पर्याप्त कीमत और गारंटी किट एमएसपी के बीच के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा। कहने का इनका सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर आपकी एमएसपी रखी गई है 20 रुपये किलो, और अगर आप लोगों को 15 रुपये किलो के हिसाब से कहीं रेट मिलता है गेहूं का, तो आप लोगों को क्या होगा कि 5 रुपये सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। विधेयक में कृषि उपज लेन देन के 2 दिनों के भीतर भुगतान सीधे किसानों के खातों के में किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है।
कहने का मतलब है कि आपकी फसल अगर आज जाती है मंडी में और उसके 2 दिन बाद आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि कहीं 1 महीना लग जाता है, गन्ने का तो आप देखिए 1-1 साल तक, 1.5 1.5 साल तक नहीं मिलता है, कई फसलों में इस तरह के विवाद चलते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग इसके किसानों को गारंटी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो इसके घोड़ा अगर एक कानून बन जाता है तो लगभग 93 मिलियन कृषि परिवारों के लिए बेहतर कृषि उपज मूल्य प्राप्त होगा और जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से उत्थान देखने को मिलेगा। एक बार देखिए, एक बार आप लोग क्या करिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पहले जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो भारत में कृषि विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उचित कृषि कीमत को लागू करना है और इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और एमएसपी सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है कि कम से कम तो आपको इतना मिलेगा, अधिकतम की बात नहीं की जा रही है, और जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं, और यदि बाजार की कीमत कम है तब बेच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सरकार कम कीमत लगा रही है, बाजार के जो सेठ हैं, व्यापारी हैं, वो अधिक कीमत दे रहे हैं, तो कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि सरकार को ही देना पड़ेगा, आप उन बाहरी लोगों को भी आप लोग दे सकते हैं। और इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। एक बात और आपसे पूछता हूँ कि गेहूं का ही उदाहरण ले लीजिए, आसानी से समझ में भी आएगा। आप सभी जानते हैं कि सेठ जो अगर 20 रुपये अगर इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के द्वारा रखा जा रहा है और उन्हें देखिए इसमें क्या होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर जो आपकी फसल बिकती है इसमें बहुत सारी अड़चन बनी रहती है। आप देखते हैं कि सरकारी मंडी में आपको घर से पहुंचाना है फसल, इसी में प्रॉब्लम खड़ी रहती है, फिर आपको पेमेंट मिलने में देरी लगती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि अधिकतर किसान आपने देखा होगा कि वो बिचौलियों को दे देते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो सेठ होते हैं, उन्हें दे देते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि वो सेठ आते हैं और आपने देखा होगा कि आपके घर से ही फसल लेके जाते हैं। भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर 1965 में लागू किया गया था, लेकिन याद रखिए पूरी तरह से किसानों को लाभ इसका अभी तक नहीं मिल सका है, कुछ ही किसानों को इसका लाभ मिलता है जो जागरूक हैं एक तरह से। इस समिति को आप लोग जरूर याद रखिए, लक्ष्मीकांत झा समिति, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से पहले यानी कि फसल बोने से पहले ही तय किया जाता है कि आपकी ये फसल इतने दाम में खरीदी जाएगी, ताकि किसान किसी भी फसल की बुआई करने या ना करने का निर्णय कर सके, उन्हें जो बेहतर लगे किसानों को वो फसल बो सके। एमएसपी के इस बारे में सुझाव तो कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतर निर्णय आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसे आप लोग CCEA कहते हैं, इसके द्वारा लिया जाता है। और गन्ने के लिए MFRP के संदर्भ में भी इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है, रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। एमएसपी नहीं मिलती गन्ने पर, FRP मिलती है। अगर हम लोग करंट में बात करें तो वर्तमान में सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, 22 फसलों की, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 14 तो खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें आपको देखने को मिलेगी। सरकार द्वारा घोषणा तो 22 फसलों के लिए की गई है, किंतु यह लागू होती है 24 फसलों पर। अब आप कहेंगे कि 24 पर कैसे होती है, तो 2 अन्य फसलें हैं जिसमें आपका तोरिया है और डीहस्कड़ नारियल है, ठीक है, इस पर भी एमएसपी सरकार द्वारा घोषित अन्य 2 फसलों सरसों और नारियल के मुताबिक ही होती है, इनमें ही एक तरह से इन्हें रख दिया जाता है। तोरिया की एमएसपी सरसों और डीहस्कड़ नारियल की नारियल के मुताबिक ही दी जाती है। तो इस टोटल मिला के आप देखेंगे फसलें 22 ही एक तरह से दी जा रही है, लेकिन 2 अन्य उसमें जोड़ देते हैं, 24 पर मिल जाती है। अब बात आती है कि एमएसपी की गणना किस प्रकार से होती है। अब इसकी कोई टेक्निक तो होना चाहिए, समझ रहे, कोई नीति तो होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गणना किसानों के उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना कीमत के आधार पर की जाती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर रखा जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल आयु की स्थिति पर एक वर्ष में 2 बार किया जाता है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक वैधानिक निकाय है जो खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है।
और एमएसपी में शामिल निर्धारित करने में शामिल की जाने वाली उत्पादन लागत की अगर बात करें हम लोग, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2+FL और तथा C2 लागत दोनों को ध्यान में रखा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि A2 और FL C2 आखिर है क्या ये मामला? तो A2 लागत में किसानों द्वारा सीधे नगद रूप में बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी की मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी तरह के भुगतान को शामिल किया जाता है। A2 में सीधा सा मतलब है कि आपका जो बीज है, जो नगद रूप से आप बीज खरीदते हैं, खाद, कीटनाशक, मजदूरों को आप मजदूरी देते हैं, ईंधन देते हैं, सिंचाई के लिए जो भी खर्च करते हैं उसे जोड़ा जाता है A2 में। और A2FL में अगर A2 सहित अतिरिक्त आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। देखिए AFL मतलब आपको देखिए जो आप अपने परिवारों को भी तो लगाए रहते हैं, मान लीजिए आपकी खेती किसानी है तो आपके परिवार में जितने मेंबर होते हैं वो भी लगे रहते हैं, तो आप सभी जानते जानते हैं कि उन्हें आप लोग पैसा नहीं देते हैं परिवार को, लेकिन वो वहां लगे तो हुए हैं। तो A2FL में A2 सहित, A2 तो आपको जोड़ना ही होगा, ये बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई, ये तो शामिल होंगे ही, लेकिन आप इतने जो पारिवारिक आपके जिन्हें आप लोग वेतन नहीं दे रहे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी वेतन इसमें जोड़ा जाएगा एक तरह से। और C2 में लागत में कुल नगद लागत और किसानों की पारिवारिक परिश्रमिक के अलावा खेत की जमीन का किराया, कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग आपके किराए पर खेत लेते हैं, उसे भी जोड़ा जाएगा। और जो कृषि में जो पूंजी लगाई जा रही, जो पैसा लगाया जा रहा है, उस पर कितना ब्याज लगेगा उस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि A2+FL और C2 लागत मिलनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से ये सभी जोड़ के जो लागत है इनको ध्यान में रखते हुए एमएसपी तैयार की जानी चाहिए आपकी। अब बात आती है एमएसपी की सीमाओं की, कई लोग इसे नकारते रहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत नियमित रूप से की जाती है। अगर आपने देखा होगा कि अगर गेहूं खरीदा जाता है, चावल खरीदा जाता है, तो सरकार आसानी से आप तक पहुंचाती रहती है, तो उसका एक तरह से वो कीमत चुका सकती है। लेकिन अन्य फसलों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है, और जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाती है वहां के किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं। अब आप देखिए जो सरकारें नहीं खरीदेंगी तो वो किसान क्या करेंगे, वो बिचौलियों के पास जाएंगे, और बिचौलिए किस तरह से आपने देखा होगा कि बीज के व्यापारी होते हैं, किसानों को लूटते हैं, ये आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और एपीएमसी अधिकारियों पर भी निर्भर होती है, छोटे किसानों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और छोटे किसान क्या करते हैं, आप देखिए कि 10 क्विंटल आपकी गेहूँ है या 15 क्विंटल गेहूँ है, और आपके आपके यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर दूर सरकारी मंडी है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि अरे रहने दीजिए, वहाँ तक जाने से अच्छा है कि वहाँ तक जाएंगे उसके लिए वाहन एक किराए से लेना पड़ेगा, वहाँ आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर आपको वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, और आपका पेमेंट 10 दिन 15 दिन बाद महीने बाद मिलेगा। और इसीलिए क्या करता है, किसान व्यापारियों को दे देता है, क्योंकि व्यापारी आपके खेत में ही आते हैं और आपको बस एक काट के रखनी होती है, वे अपने आप तौल के वो चले जाते हैं और नगद पैसा दे जाते हैं, तो किसान छोटे किसान इसमें भी आ जाते हैं, इसलिए उन्हें फायदा नहीं मिल पाता है। एमएसपी की अगर हम लोग वैधानिक किए जाने संबंधी मांग की बात करें, तो किसानों को एमएसपी से कम कीमतों की प्राप्ति, भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलों के लिए किसानों को विशेष रूप से फसल के समय प्राप्त होने वाली कीमतें आधिकारिक तौर पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से काफी कम होती हैं, और एमएसपी के लिए कोई वैधानिक प्रतिभूति नहीं है, और इसकी अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती है। और सरकार द्वारा अगर खरीद समिति खरीद की बात करें, सीमित खरीद की, तो सरकार द्वारा एमएसपी का वास्तविक खरीद काफी कम की जाती है, जो कि गेहूं, धन, धान की केवल एक तिहाई फसल, जिसमें से आधी फसल केवल पंजाब और हरियाणा में खरीदी जाती है। यानी कि आप समझ रहे हैं, एमएसपी का अगर किसी को फायदा मिलता है तो हरियाणा और पंजाब के किसान ही इसका फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि वो जागरूक हैं वहां के किसान, समझ रहे हैं आप लोग।
और 10% से 20% चुनिंदा दलहन और तिलहन फसलों तक ही सीमित है आपकी एमएसपी। शांता कुमार समिति दो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 6% किसान परिवार सरकार को एमएसपी दरों पर गेहूं और धान बेचते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 100 किसान आप लोग देख लीजिए कि आपके गांव में है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, उनमें से केवल 6 लोगों की फसल ही एमएसपी पर बिक पाती है, यानी कि 94 लोग आपके घाटे में जाते हैं। वो बिचौलियों को दे देते हैं, वो सेठ को दे देते हैं, व्यापारी को दे देते हैं जो बहुत सरकारी कीमत से बहुत सस्ते में खरीदता है। तो उस किसान की क्या हालत रहेगी आप सभी जानते हैं। अगर 100 ही लोगों को, पूरे 100 में 100 लोगों को अगर इसकी एमएसपी मिलती तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग, आपके यहाँ के किसान रहेंगे। एमएसपी को वैध बनाने में अगर क्या चुनौतियां आ सकती हैं उन्हें अगर हम बात करें तो वैधानिक एमएसपी आरक्षणीय है। नीति आयोग में शामिल किसी अर्थशास्त्री रमेश चंद द्वारा नीति पर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के खिलाफ तर्क दिया था। इनका कहना है कि एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता है। इनका तर्क है कि मांग से अधिक उत्पादन होने पर बाजार में वस्तु उपज की कीमतों में गिरावट होगी और ऐसी स्थिति में पूर्व निर्धारित मूल्यों होने की वजह से निजी व्यापारियों बाजार से दूर हट जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एमएसपी घोषित अधिकांश कृषि उपज मुख्य रूप से सरकार को खरीदनी पड़ेगी, जो कि गैर संवहनीय और आरक्षणीय है। समझ रहे हैं, इनका एक तर्क है कि इस पर कानून इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा यहाँ कुछ और मानना है। आप सभी जानते हैं कि गेहूं का मैं उदाहरण दे रहा हूं, बेहतर मैं मुझे लगता है ये सूट करता है इस पर। आप खुद सोच के देख लीजिएगा आपका गेहूं कितने का रुपए किलो बनता है, बिकता है, और आपने देखा होगा कि जो आटा मिलता है वो कितने रुपए किलो मिलता है। अगर इस पर कानून आता है तो आप देखिए व्यापारी भी उतने ही दाम में खरीदेंगे, उन्हें डर रहेगा, तो उतने में ही सरकारी जो भी सरकार न्यूनतम रेट रखेगी उस पर ही खरीदेगा, और वो देखिए उस पर उसे थोड़ा और बढ़ा देगा आगे बेचने के लिए, आगे फायदा उठाने के लिए। समझ रहे हैं, व्यापारी, मुझे नहीं लगता कि व्यापारी अपना धंधा वानी बंद कर देंगे, ऐसा तो मुश्किल है। और गोदामों, राशन की दुकानों, परिवहन के दौरान गेहूं और चावल के पुनर्वर्तन यानी कि रिसाव भ्रष्टाचार की भारी गुंजाइश में देखने को मिलेगी। निपटान संबंधी समस्याओं की बात करें तो जहां अनाज और दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा सकती हैं, वहीं नाइजर बीज, तिल, कुसुम के मामले में निपटान प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सरकार ने अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को खरीद लिया तो अनाज और दालें ये तो ठीक है पीडीएस के द्वारा जनता में बांटी जा सकती हैं, उन्हें बेची जा सकती हैं सस्ते दामों पर, वो सरकार का काम है, लेकिन और भी जो फसलें हैं उनका क्या करेगी सरकार? तो ये भी एक क्या है, समस्या बनी हुई है। एक मुद्रास्फीति की समस्या है। उच्च लागत पर खरीद किए जाने का अर्थ होता है कि खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी जो अंततः गरीबों को प्रभावित करेगी। इनका कहने का मतलब ये है। और एमएसपी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद दरों से अधिक होने की स्थिति में भारत के कृषि निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा, और वर्तमान में कृषि निर्यात का कुल निर्यात मदों में 11% है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए कि अमेरिका हम लोग गेहूं बेच रहे हैं या किसी और अन्य देश में गेहूं बेच रहे हैं, अगर हमारे यहाँ का गेहूं महंगा हो गया तो कौन देश हमसे खरीदेगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और इसमें उच्च एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी किए जाने पर भारत को विश्व व्यापार संगठन में कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है। अमेरिका ने 2019 में विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ बाजार मूल्य समर्थन के रूप में कृषि को घरेलू सहायता दिए जाने से संबंधित एक मामला सफलतापूर्वक जीता था, और इससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि सरकार को निजी भागीदारी के अभाव में सभी विक्री योग्य अधिशेष की खरीद करनी होगी। अन्य क्षेत्रों से मांगे, यदि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने वाली सभी 22-23 फसलों की 100% खरीद की गारंटी देने के लिए न्यूनतम कानून बनाता है तो फल, सब्जियां और मसाले, अन्य फसलों की खेती करने वाले किसान भी इसकी मांग करने लगेंगे। तो इसमें कुछ इस समस्याएं बनी हुई है। एक बात आपको बता देता हूं, अगर एमएसपी पर, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है टॉपिक, तो आपके अगर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप लोग, सीधी सी बात है कि आप लोग एक चर्चा में अभी हाल में ही है और एमएसपी के बारे में लिख देंगे, इसमें आप लोग पॉजिटिव पॉइंट क्या लिखेंगे, किसानों के क्या फायदे हो सकते हैं,
यानी कि किसानों को इसके क्या लाभ हो सकते हैं, वो तो लिखना ही है साथ में। आपको ये भी लिखना है कि इसे इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि इसके सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं, नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं, और लास्ट में आप लोगों को अपना एक निष्कर्ष दे देना होता है, ठीक है? तो यही कहानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना भी बनी हुई है, आएंगे, क्योंकि किसानों का मामला आपने देखा है कितना बड़ा हुआ है। एक साल से किसान धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। एमएसपी को तो लेकर आप देखिए, बहुत पहले से हमारे देश में आंदोलन भी चलते रहे और किसानों की मांग उठती रही है हमेशा।